हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 22 अप्रैल 2022 को अडानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन होने का टाइटल छीन लिया। तो वहीं पर अगर आप पास्ट से लेकर अब तक की इंडिया की जर्नी देखो तो साल 2011 में इंडिया का सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप था जिसका नाम था इनमोबी, और वहीं आज की तारीख में इंडिया में 94 टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद है। यूनिकॉर्न कंपनीज यानी कि वो कंपनीज जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा अगर प्राइवेट बिग कंपनीज की हम बात करें तो रिलायंस, टाटा, अडानी के अलावा 333 कंपनीज खड़ी हो चुकी है। नॉट ओनली दिस बट इसरो के अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनीज ने हाल ही में इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में फिफ्थ पोजिशन पर पहुंचा दिया है। तो क्या ये सब कोई संकेत है कि बाई 2050 इंडिया विल बिकम द नेक्स्ट अमेरिका? भूलो मत, आज के समय में भी जो सबसे बड़े कंपनीज है फॉरेन के भी, उनके सीईओस तो हम इंडियंस हैं। सो क्या फ्यूचर में इंडियन कंपनीज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही होगी और बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होगी? लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड अडानी इज जस्ट द स्टार्ट, इंडिया कैन बिकम नेक्स्ट अमेरिका। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया 25 अप्रैल 2022 को गौतम अडानी वॉरेन बफेट को हराकर दुनिया के फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए, एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स आज की तारीख में अडानी जी का नेटवर्थ $123.7 बिलियन है जबकि वॉरेन बफेट का $121.7 बिलियन है। अब जिसको वॉरेन बफेट कौन है वो नहीं पता, वो अडानी और मुकेश अंबानी जी के कंपेरिजन टेबल की ओर नजर डाले। जहां अडानी इंडिया का रिचेस्ट मैन है विद $123.7 बिलियन नेटवर्थ, तो वहीं पर मुकेश अंबानी जी $19 बिलियन से पीछे रह चुके हैं with a net worth of $104.7 बिलियन, which makes him the second richest person in India. अब अंबानी जी Forbes real-time billionaire tracker में 7th position पर आते हैं, so he is still very well in the game. But भाई लोग, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा miracle हो गया। अडानी जी 2018 में 154th rank पर थे, वो अचानक से इतने कम साल में 5th rank पर कैसे आ गए? इतना बड़ा gap उन्होंने इतने कम time में कैसे पूरा किया? Well, उसके पीछे दो major reasons हैं। Reason number one, COVID pandemic. COVID-19 आया उसके पहले ही अडानी जी ने अपने बिजनेस को अच्छा खासा फैला कर रखा हुआ था। लाइक उन्होंने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेस, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स, डिफेंस, एग्री एंड फूड, रियल एस्टेट एंड सिटी गैस यूटिलिटीज जैसे सेवरल बिजनेसेस में खुद को डाइवर्सिफाई करके रखा था। और इसी अडानी मॉडल की वजह से एक ऐसा चेन बन गया था जो ओरिजिन से लेकर एंड यूजर तक का पूरा पाथ कवर करता है। अब इसे होता क्या है, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। अडानी जी ने ना सिर्फ पैंडेमिक में सरवाइव किया बल्कि उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तब अडानी ने 4 अचीवमेंट्स अचीव किए थे, लाइक अचीवमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट वीक में ही उनके लिस्टेड एंटिटीज की मार्केट कैप 7.4 लाख करोड़ रुपीस हो गई। अचीवमेंट नंबर 2, अडानी पोर्ट्स और एसईसी पोर्ट बेस्ड कार्गो के मार्केट शेयर्स 25% राइज हुए एंड कंटेनर्स के 41%। अचीवमेंट नंबर 3, अडानी ग्रीन लिमिटेड ने अपने शेड्यूल के 4 साल बाद वाले टारगेट को आज की तारीख में ही अचीव कर लिया है। एंड अचीवमेंट नंबर 4, इंडिया के सारे मेजर सिटीज लाइक मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड मैंगलोर में अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट्स हैं, और इसीलिए आज हर 4 में से 1 इंडियन पैसेंजर अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भर रहा है। अब बात करते हैं अडानी जी के वेल्थ शूट अप रीजन नंबर 2 की, रशिया यूक्रेन वॉर। पूरी दुनिया में सनफ्लावर ऑयल मेजरली 3 कंट्रीज ही सप्लाई करती है, रशिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया। अब रशिया यूक्रेन तो तूतू मेमे में लग गए और इंडोनेशिया को तो ऑयल अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए बचाना है। सो यहां पर पूरी दुनिया क्या करेगी? करेक्ट, ऑल्टरनेटिव की डिमांड करेगी। एंड उन्होंने चूज किया ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, जिसको और किसी ने नहीं बल्कि अडानी ने ही सप्लाई किया। और तभी तो अडानी विल्मर के शेयर प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 42% राइज हो चुके और बीएससी पर 504.75 का रिकॉर्ड हिट कर चुके हैं। बट फ्रेंड्स, अब यहां पर बात तो यह है ना कि उस चार्ट तक पहुंचने के लिए अडानी को सिर्फ इन 2 रीजंस ने ही नहीं सपोर्ट किया, उसके पीछे उनकी कई सारी स्ट्रेटेजीज थी, एक माइंडसेट था और बहुत सारा हार्डवर्क था। सो आइए बात करते हैं बिजनेस सेंस में उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई। लेट्स फाइंड दैट आउट। सबसे पहले तो एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस इंडस्ट्री में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या सर्विस ऑफर करे जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड, मुकेश अंबानी जैसे बिलियनर ने समय रहते इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया और उनकी नेटवर्थ आज शूट हो गई है। सो बिलियनर या मिलियनर होने के लिए ट्रेंड का विजनरी होना जरूरी है और वो इंस्टिंक्ट आप डेवलप कर सकते हो थ्रू योर रिसर्च और थ्रू रीडिंग। फॉर एग्जांपल, आप 2030 हाउ टुडेज बिगेस्ट ट्रेंड्स विल कोलाइड
एंड रीशेप द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, ये बुक पढ़ सकते हो जिसमें आपको नेक्स्ट 8 सालों में आने वाले सभी ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, जिस हिसाब से आप अपने बिजनेस या करियर को शेप कर सकते हो। और ये बुक को आप लिसन कर सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में, ऑन कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप में आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सोसाइटी एंड कल्चर जैसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी। और ये सारी किताबें आपका नॉलेज बढ़ाएगी जो आपके लाइफ को सही डायरेक्शन देगा। अब इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए वैसे तो आपको 399 रुपीज भरना पड़ता है, मगर आप अगर मेरा कूपन कोड GETSET50 यूज करोगे तो आपको 199 रुपीज में इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड दिस वंडरफुल ऐप नाउ और यूज द कूपन कोड GETSET50 इफ यू आर डाउनलोडिंग आइदर फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जस्ट फ्रेंड्स, हरी अप करना क्योंकि ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। और अब टॉकिंग अबाउट अडानी जी, तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, सो लेट्स सी अडानी जी की यहां पर क्या स्ट्रेटेजी थी। Well, strategy number one, Digital India's program के चलते 2019 में अडानी ने सैन फ्रांसिस्को की डिजिटल रियलिटी के साथ एक टाई अप कर लिया, सो दैट वो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके। यहां पर इंडिया के साथ उनका खुद का भी एक फायदा था क्योंकि वो इस कंपनी के साथ मिलकर डेटा सेंटर्स बना रहे थे, एक ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे जो इंडस्ट्री फ्यूचर बनने वाली थी। And as we all know, अडानी ग्रुप का प्रेजेंस हर सेक्टर में है, तो बेसिकली यहां पर जायज बात है कि इंडिया के साथ मिलकर उनका भी फायदा था। अब यहां से इनका ना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नजर आता है, बिकॉज लिटरली वो उनको पहले ही भनक पड़ जाती है कि ये इंडस्ट्री आगे जाके बड़ी होने वाली है और वहां पर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले और फ्यूचर जैसे ही वो बने उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। स्ट्रेटेजी नंबर टू, जहां पर पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है, वहीं 2019 में अडानी ग्रीन ने यूएस की पूरी सोलर इंडस्ट्री से ज्यादा पावर प्रोड्यूस किया, जिसके चलते 2020 में अडानी ग्रीन ने SEC यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 8000 MW का प्रोजेक्ट साइन किया और उसी के साथ अडानी ग्रीन सोलर पावर प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बन चुकी है। अब यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा कि अडानी का विजन कितना स्ट्रांग था, अपने आज के चलते हुए बिजनेसेस के कंफर्ट जोन में बैठने के बजाय वो फ्यूचर की ओर कॉन्स्टेंटली नजर रखते हैं और देख रहे हैं जो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे इनका लीडरशिप माइंडसेट भी समझ में आता है। बट फ्रेंड्स, माइंड यू, सिर्फ अडानी जी अकेले ही नहीं है इस बिलियनर्स की रेस में। इंडिया में आज और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022 में 166 बिलियनर्स इंडियंस थे और इसी के चलते आज की तारीख में इंडिया बिलियनर्स के लिस्ट में 3rd rank पर आता है, जस्ट बिहाइंड अमेरिका एंड चाइना। और वेल्थ और वेल्दी लोगों के इस मीटियोरिक राइज के पीछे काफी सारे यूनिकॉर्न्स, मतलब कि एक प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 billion से भी ज्यादा है, जैसे हमने बात किया कि सारी कंपनीज और उनके फाउंडर्स खड़े हैं पीछे लाइन में, बैकअप में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल बनने की रेस में। अब इंडिया में मौजूद इन 94 यूनिकॉर्न्स में से 76 तो पिछले 3 साल में ही आए थे, तो अब आप ही समझ लो कितना ज्यादा और कितनी जल्दी इंडियन बिलियनर्स चार्ट पर दिखने लगे हैं। बट हियर लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म यू कि इंडिया 2050 तक अमेरिका बनने की पूरी तैयारी में है, और मैं यहां पर सिर्फ एक ही सेक्टर की प्रोग्रेस को देखकर नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी सेक्टर्स इक्वली की प्रोग्रेस चालू है। विश्वास नहीं होता, वेल एग्जाम्पल साथ में लाया हूं। सेक्टर नंबर 1, डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत के चलते अब इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर नहीं सेल्फ रिलायंट होने पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसीलिए अडानी, टाटा और महिंद्रा जैसे 333 और प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोडक्शन के लाइसेंसेस दे दिए गए हैं और उनमें से अब तक तो 110 ने प्रोडक्शन चालू भी कर दिया है। सेक्टर नंबर 2, स्पेस। अब इंडिया और स्पेस सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इसरो आएगा, बट ना, इसके अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनियां और हैं जो स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुकी है, जिन्होंने मिलकर इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में 5th rank पर पहुंचा दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, इंडिया में तो अब ब्रेन गेन भी हो रहा है, मतलब जो भी स्किल्ड लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज से हमारी खुद की कंट्री में वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर 2017 की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इंडिया वापस आ चुके हैं, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इंडियंस भी इंडिया को नेक्स्ट अमेरिका बनाने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बट अगर पास की बात करें तो FY 16-17 में US अराउंड 10 यूनिकॉर्न्स अपनी लिस्ट में एड कर रहा था और वहीं पर इंडिया सिर्फ 1, बट पिछले 4 सालों में यह नंबर एक्सपोनेंशियली 66% से ग्रो हुआ है। और अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 57 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की लिस्ट में ऐड हुए हैं, जिसके साथ इंडिया खड़ा हो चुका है $319.67 billion वर्थ के टोटल 94 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ।
इतने ज्यादा कि यूके जैसी डेवलप्ड कंट्री के पास आज सिर्फ 63 यूनिकॉर्न्स मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के बिजनेसेस के सक्सेस होने के पीछे मेजर हाथ गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, जो वहां पर इजीली लोन्स देकर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही आज की तारीख में भी इंडियन यूनिकॉर्न्स के सक्सेस के पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का मेजर हाथ है, क्योंकि उन्हें भी हमारे देश को यूएस के तरह ही एक सुपर पावर बनाना है। बट बात यह है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कैसे सपोर्ट किया। सो सपोर्ट नंबर वन, गवर्नमेंट स्कीम्स। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए, लाइक नंबर वन मुद्रा स्कीम। इस स्कीम में न्यू स्टार्टअप्स को इजी कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे बिजनेस सेटअप, ग्रो और स्टेबलाइज हो सके। नंबर टू, ईविस पोर्टल। ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है, जिसमें बिजनेसेस रेगुलरली परमिशन और लाइसेंस यहीं से ले सकते हैं ऑनलाइन। नंबर थ्री, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस सिडबी को अलॉट किया है, जिसके थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही कई क्लियर आईएएस स्कीम्स के साथ इन यूनिकॉर्न बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट नंबर टू, इंडियन यूनिकॉर्न कैपिटल। बैंगलोर सिटी को इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा गया है, जिसको फॉलो दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज ने किया। इन सिटीज में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न होने के पीछे का रीजन एक ये हो सकता है कि तीनों सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चरली काफी डेवलप्ड है। एज किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए उस बिजनेस के ऑपरेशनल लोकेशन का डेवलप्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि बैंगलोर में बिजनेस रिक्वायरमेंट की हर चीज मौजूद है, इसीलिए ही उसे इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। वैसे ही जैसे लंदन को यूके का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। सपोर्ट नंबर थ्री, गिफ्ट सिटी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया था, जहां पर इस सिटी में वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा और इसी सिटी में रेजिडेंस, आईटी हब्स, मॉल्स से लेकर मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा होंगे। प्लस ये एक SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होगा, जहां पर टैक्सेस भी कम होंगे और प्रोजेक्ट अप्रूवल वो भी फास्ट मिलेगा। और तो और ये सिटी साउथ कोरिया में मौजूद सैमसंग डिजिटल सिटी से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली है, विच मींस गवर्नमेंट इज रियली सपोर्टिंग बिजनेसेस अ लॉट। अब सवाल ये है फ्रेंड्स कि क्या गवर्नमेंट बिजनेसेस को इसी तरीके से सपोर्ट करती रहेगी और इंडिया इन्हीं सेम डेवलपमेंटल लाइंस पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। वेल, उसी पर सब कुछ निर्भर है कि 2050 तक इंडिया अमेरिका बनेगा या फिर नहीं। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा इस पर आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही डेवलपमेंट कंटिन्यू होते रहेगा, या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट ही कोई और आ जाएगी? क्या आपको लगता है 2050 तक इंडिया अमेरिका को कंधे से कंधा टक्कर देगा? अगर हां तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में मालूम पड़े और वो भी इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर, और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप नोटिफाइड रहो। और हां फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग and keep growing. Jai Hind!